जी नहीं चाहता कि इसका नहीं बोले। I'm so sorry डॉक्टर, मैं नवीन बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपके पास कौन सा आती होगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन अब कौन जाया करेगी, और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ, 8 महीने की बच्ची होती कितनी अगर वो तंदुरुस्त ना हो इंसान के हाथ में आ जाती है, उसका रेप हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर है, पढ़ने की भी नहीं है, इनको बचाना भी है, ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब उसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल घूम गया था इसके शरीर से। और हिंदू मुस्लिम आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में, अगर शर्म है ना थोड़ी सी तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चों के रेप जो करते हैं उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ और कितनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होंगी, जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं तो मुझसे बात कर ले, मैं कसम खा रहा हूं अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी वीडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनूंगा।